बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाला आले मोहम्मद। शाह जिंजानी जिंजानी टीवी की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। प्रोग्राम में आज टुडे कबूलियत दुआ का वक्त, आज 28 मई और हफ्ते का दिन है और हफ्ते का आखिरी दिन होता है। हमारी दुआ है कि आज आप जो भी दुआएँ करें, आप जो भी आप अपने काम कर रहे हैं रोज़मर्रा के, अल्लाह पाक आपके हर काम में बरकतें अदा करें और आपके हफ्ते का इख्तिताम भी आज अच्छा हो। आज जो मैंने आपके लिए कबूलियत दुआ के वक्त निकाले हैं, ये निसब शाब का एक वक्त है, 2:27 से लेके 2:57 का। ये करीब तरीन वक्त है नमाज शब का। नमाज शब पढ़ के भी दुआ कर सकते हैं, इस वक्त वक्त को पाएँ तो दुरूद पाक पढ़ते पढ़ते दुआ करें। और उसके बाद दोपहर का 1:13 से लेके, माफ़ी चाहता हूँ, ये 1:12 से लेके 1:42, ये आज दोपहर का वक्त है। अजाने जोहर हो चुकी होगी या होने वाली होगी, और उसके बाद तीसरा वक्त है अजाने मगरब का। इस वक्त को पाएँ तो मौजन के साथ अजान दोहरा के आप दुआ करें। ये औकात मैं कोशिश करता हूँ कि बड़ी मेहनत और रियाजत से बग़ैर किसी गर्ज के लालच के, लालच मुझे यही है कि जनाब जहाँ आप अपने लिए दुआ करते हैं, हमारी जो जिंजानी टीवी की टीम है इसको भी अपनी दुआओं में याद रखें। आज जितनी ज़रूरत है वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को दुआओं की, क्योंकि ये मई का महीना नहायत ही एक अहम महीना, सियासी महीना पाकिस्तान की तारीख में। पाकिस्तान है तो हम हैं, हमारी रौनकें, हमारी जनाब घर बार की रौनकें, हमारी दुनिया में शनाख्त पहचान इसी वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के लिए। और पाकिस्तान के जितने भी सियासतदान हैं यकीनन मेरे नज़दीक सभी मोहब वतन है, और सबसे बड़ी जो हमारी फौज पाकिस्तान है इनको सलाम है कि जनाब ये राखा हैं हमारी, पूरे वतन का रखवाली हैं, हमारी सरहदों की भी। और आजकल दुनिया में जनाब जंगों का माहौल बदल गया है कि जनाब सरहदों में जंग नहीं होती बल्कि मुल्क के अंदर भी जनाब साजिशें हो रही होती हैं। तो आज जितनी दुआएँ पाकिस्तान में पाकिस्तान के लिए वहाँ पर करने की ज़रूरत है, शायद पहले कभी ना हो। आप पंजगाना नमाज अदा करें, नमाज मोमिन की मेराज है, और कोशिश करें कि अपने नफ्स पे काबू पाएँ और फिर परवरदिगार के आगे सजदा करें। आज 28 मई और हफ्ते का दिन है। आज के जो मैंने अच्छे औकात निकालने की सादत आपके लिए हासिल की है, ये 2:27 से लेकर 2:57 का वक्त है। ये निसब शब का करीब तरीन वक्त है नमाज शब का। और दूसरा वक्त है 1:12 से लेके 1:42, और जो तीसरा वक्त है ये अजान मगरब का वक्त है। जैसे अजान सुने आप मौजन के साथ अजान दोहराएं और बाद नमाज यानी अजान दुआ करें, नमाज पढ़ के भी दुआ कर सकते हैं। तो ये जनाब तीनों वक्त मेरे नज़दीक आज बेहतरीन वक्त हैं कबूलियत दुआ के वक्त हैं। और ये आपका खादिम शाह जिंजानी बड़ी मोहब्बत से खलूस से ये वक्त निकालने की सआदत हासिल करता है। यकीनन इस वक्त की गई दुआएं बारगाह खुदावंदी में मुस्तजाब होंगी। आपसे मुलाकात का सिलसिला जारी रहेगा, आज के लिए इतना ही। शाह जिंजानी को इजाज़त दीजिएगा बशर्ते ज़िंदगी कल एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।